हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जनीस आज आप लोगों को चेहरे पर जो काले काले दाग हो जाते हैं उन दागों से छुटकारा पाने के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन बतलाएंगे और ये भी आप लोगों को बतलाएंगे कि चेहरे पर काले काले दाग या चित्ती चित्ती टाइप का जो काला काला हो जाता है या मुहासे के बाद जो काला काला धब्बा छूट जाता है, मुहासा ठीक होने के बाद रह जाता है, उसको भी हटाने के लिए आज हम एक होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों को बतलाएंगे, क्योंकि इसके एवज में बहुत सारे लोग बहुत सारी पैसे की बर्बादियां भी करते हैं। खैर, अपना अपना पैसा है, बर्बादी क्या जैसा कहें, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को एक होम्योपैथिक मेडिसिन बतला रहे हैं। जो ये होम्योपैथिक मेडिसिन, वो जो काले काले दाग होते हैं, पिंपल्स के या चेहरे पर जो दाग हो जाए, हो सकता है कब्ज की वजह से, मुहासा हो जाए, उसके बाद जो दाग होता है, उस या हल्का हल्का छाई है वो भी आ जाए, उस सब से निजात पाने के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन बतलाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो उसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। तो उस मेडिसिन का नाम है बर्बेरिस एक्वाफोलियम। ये एसबीएल कंपनी के हैं और 30 ml में है। आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम मेडिसिन को नोट करें, 30 ml में बाजार से जाकर के इसे ले लें। अब इसका यूज कैसे करना है वो भी अब लोगों को बताएंगे। अब जहाँ पर काले काले मुहासे के बाद जो धाव रह जाते हैं, यहाँ जहाँ छाई हल्का हल्का हो गया है, बस कुछ नहीं है, इसको खोलना है। बस ऐसे आप खोल लें। खोल लेने के बाद थोड़ी सी इसे आप हाथ पर या कॉटन रुई में ले लें और जहाँ जहाँ है इसे अपने जहाँ जहाँ चेहरे पर इसे लगा करके छोड़ दें। बस लगा करके छोड़ दें। और खाने में आप हरी सब्जी का यूज ज़्यादा करें जी। और उसके बाद एक चीज़ और बतलाएंगे, अगर पेट में थोड़ी सी कब्ज रहती है, कब्जियत रहता है, गैस का प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए हम अपना बहुत सारा वीडियो ही बतलाए हैं गैस से छुटकारा के लिए, कब्ज से छुटकारा के लिए। और होम्योपैथिक में बहुत ही बेहतर से बेहतर मेडिसिन है कब्ज से निजात पाने के लिए, मतलब कब्ज से छुटकारा पाने के लिए, और एक परमानेंट छुटकारा देती है। ये नहीं कि आज 2 गोली खा लिए, कल ठीक है, परसों फिर हो गया। अगर आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन बेहतर ढंग से यूज करते हैं तो आपको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो हम बतला रहे हैं, जो काले काले चेहरे पर दाग हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, लोग हर एक लोग चाहता है कि सुंदर दिखें, उसके लिए आप जो आप बतलाएं बर्बेरिस एक्वाफोलियम जो मेडिसिन है उसे आप ले लें और बताएं कि हाथ से या कॉटन से आप हाँ लगा करके दिन में या रात में एक बार लगा लें और बस उसे छोड़ दें। दूसरा चीज़, अब यही दवा, इसी दवा को आधे कप सुसुम, आधे कप ताज़ा पानी के साथ 12 बूंद डालें सुबह सुबह और एक बार पी लें, ठीक है। और इतना करेंगे आपके जो चेहरे पर जो काला काला जो छूट जाता है मुहासे के बाद या छाई हो गया, वो ठीक हो जाएगा। अपने तजुर्बा के अनुसार बतला रहे हैं, प्रैक्टिस में जो देखे हैं। अगर आप लोगों को कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, ऐसे तो वीडियो में बहुत सारा बतला है, तो उस दौरान आप एक जो है मार्केट से चिलिडोनियम मेजस, एक मेडिसिन है, ऐसे चिलिडोनियम कहते हैं शॉर्ट नेम, चिलिडोनियम मेजस पूरा नेम है, ये क्यूपोटेंसी है। उसे भी आप दिन में कभी भी या दोपहर में हल्की जो कब्ज है, ऐसे तो कब्ज पर मेरा वीडियो बनाया हुआ है, आप आधे कप पानी में इसे भी 12 से 14 बूंद डाल करके एक बार पी लें। और ये दवा अपना सुबह एक एक बार लें, ये सुबह लें तो इसको आप शाम को ले सकते हैं। इतनी मेडिसिन अगर कब्ज नहीं है तो इसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्यू जो है मदर टिंचर, उसे आप लगाने में और खाने में यूज करते हैं, आपका चेहरा सुंदर दिखेगा, धमक उठेगा, काला काला जो निशान रहता है वो भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। ऐसे कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं इसके बाद उसका हम आंसर आप लोगों को बतला देंगे। कोई अगर दिक्कत हो तो मेरा एक बार फिर बतलाएंगे। अगर चैनल अच्छा लगा, मेरा जो चैनल का नाम है डॉक्टर रजनीश होम्योपैथी, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। कुछ भी दिक्कत है आप मैसेज करें, उसके बाद हम जानकारी देंगे। पहले तो हम
चैनल जो है रेगुलर वे में नहीं बना पा रहे थे, और कुछ दिन छूट जाने के कारण ऐसे हम लाइव भी आएंगे आप लोगों को। संडे के संडे टाइमिंग बतला रहे हैं, संडे के संडे आप 1 बजे दिन में हम लाइव आएंगे, कम से कम आधे घंटे के लिए। उस दौरान आप कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसका हम जवाब देते हैं। दूसरा चीज़ ये भी बतलाएंगे कि अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो इजी वे में क्वेश्चन पूछें, ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज यूज ना करें, हिंदी वे में हल्का सा हल्के वे में क्वेश्चन पूछें, उसका सटीक जवाब देंगे। अगर नहीं आएगा तो हम जवाब नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। हाँ, जो जानते हैं वो आप लोगों को बतला रहे हैं, क्योंकि इस संसार में हर एक व्यक्ति जानते जानते ही ऊपर जाता है, चल जाता है, लेकिन फिर भी जानकारी पूरा नहीं जान पाता है। तो हम भी जानने का ही कोशिश करते हैं, जो जान रहे हैं वो आप लोगों को हम बतला रहे हैं। तो फिर आप लोगों कहेंगे मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और प्रत्येक संडे को 1 बजे मेरा लाइव प्रोग्राम होगा ही होगा। 1 बजे टाइमिंग है, आधे घंटे का प्रोग्राम होगा, उस दौरान कोई क्वेश्चन पूछेगा उसका हम जवाब ही देंगे।